السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فهل ينظرون إلا الساعة أن तो क्या ये लोग बस क्यामत ही के मुंतजिर है कि वो अचानक इन पर आ जाए उसकी अलामतें तो जाहिर हो चुकी हैं यानी उसका आना भी यकीनी है क्योंकि अलामतें जाहिर हो गई जब वो खुद ही आ जाएगी तो इनके लिए नसीहत हासिल करने का मौका कहाँ बाकी रहेगा लिहाजा हमें आज नसीहत हासिल करनी चाहिए इसकी अलामत से तो आज हम नंबर सेवन पढ़ेंगे हराम कामों और गुनाहों से मुतलमत हराम कामों और गुनाहों से मुतल हदीसे हमें पता चलता है कि क़्यामत के करीब सूद जना और शराम शराब आम हो जाएगी इब्न मसूद रज़ी अल्ला से रिवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम ने फरमाया फ़रमायामत से पहले सूद ज़िना और शराब आम हो जाएगा यानी लोग इनको बुरा समझेंगे नहीं ये वो बुराइयां हैं जिनको एक मामूली अकल रखने वाला भी बुरा समझता है लेकिन क़्यामत के करीब लोग इनको सरेआम करेंगे खुलेआम करेंगे और उस पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं होगी सही बुखारी की हदीस में आता है ज़िना शराब रेशम और मौसीकी को हलाल समझ लिया जाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो जना रेशम शराब और बाजों को हलाल समझेंगे इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को और ये लोग पहाड़ के दामन में रह, रहायश रखेंगे चरवाहे उनके मवेशी चरने चरवाहे उनके मुइशी चराने के लिए सुबह शाम लाएंगे और ले जाएंगे उस वक्त उनके पास कोई फकीर अपनी हाजत लेकर आएगा तो कहेंगे अब जाओ कल हमारे पास आना तो अल्लाह उन्हें रात को ही हलाक कर देगा और पहाड़ को उन पर गिरा देगा और बाकी को क्यामत के दिन तक बंदरों और खंजीरों की शक्ल में मस्त कर देगा यानी मुराद यह है कि ऐसे लोग होंगे कि जो हर तरह की बुराइयों में मुल्ब होंगे और पहाड़ों के दामन में है के बहुत खूबसूरत मनाजिर होते हैं और अब तो बहुत ट्रेंड हो गया फार्म हाउसेज़ बनाने का और पिकनिक स्पॉट पे और समुंदर के किनारे और विभिन्न जगहों पर रिजॉर्ट्स पर अपार्टमेंट्स लेना और घर बनाना और फिर अमूमन ऐसी जगहों पर जाकर लोग करते भी क्या हैं वो सैर व तफरी के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं तो आपने फरमाया ऐसे लोग होंगे जो जिनाश रेशम शराब और बाजू इन हर तरह की चीज़ें जो हराम की गई हैं दीन में उनको हलाल कर लेंगे और इनके खदमत गार बहुत होंगे तो इसका मतलब क्या चरवाहे चरवा चराएंगे इनके लिए यानी खुद इनके पास इतना दौलत होगा कि ये अपने काम करवाने के लिए खादिम रख सकेंगे लेकिन किसी फ़कीर और गरीब को देने के लिए इनके पास कुछ ना होगा तो जिन लोगों को भी अल्लाह ने कुछ दे रखा है उन्हें इस बात से डरना चाहिए कि अगर वो अपने माल में से ज़रूरतमंदों का और सवाली का हक नहीं निकालते तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके माल समय तो हर चीज उनकी तबाह बर्बाद हो जाए फिर एक और हदीस से पता चलता है कि शराब का नाम बदल कर पिया जाएगा ताकि कोई गिल्ट भी ना रहे सिलसिला सही की है हदीस है हजरत रज़ी अल्लाह रजील तन रिवायत करती हैं कि मैंने रसूल को फरमाते हुए सुना पहली चीज जिसे इस्लाम से ओंधा करके गिरा दिया जाएगा जिस तरह बत, बर्तनों को ऊंधा करके गिरा दिया जाता है वो शराब है यानी इसके बारे में इस्लाम के हुक्म की परवाह नहीं की जाएगी यानी इट डजेंट मैटर कुछ नहीं होता पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल ये कैसे होगा हालांकि अल्लाह ने इस मामले में पूरी वजाहत फरमा दी है यानी शराब की हरमत के जिक्र कुरान में मौजूद है रसूल सल्हम ने फरमाया वो इसका नाम किसी और नाम से तब्दील कर देंगे तो जब वो नाम ही बदल जाएगा तो जो लोग शराब को हराम समझते हैं वो दूसरे नाम से वो भी उसको खरीद लेंगे और उसको इंजॉय करेंगे फिर सरेआम बदकारी होगी यानि जना सिलसिला सही है कि हदीस है अब्दुल्लह अब ने अम रजी से रिवायत है वो कहते हैं कि रसूल सल्ला वसम ने फ़रमाया क़्यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक ऐसे नहीं होगा कि लोग गधों की तरह रास्तों में जिना करें और आप, आप देखिए कि यहाँ जहाँ पर लोगों को हर तरह की आज़ादी है वहाँ आपको सरेआम ऐसे सीन बाजुकात नज़र आते हैं मैंने कहा क्या ऐसे भी होगा आपने फरमाया हाँ ज़रूर होगा फिर इसी तरह नाजायज़ औलाद की कसरत हो जाएगी ममूना रज़ी अन्हा से मरवी है वो कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक उसमें नाजायज़ औलाद की कसरत न होगी और जब उसमें नाजायज़ औलाद की कसरत होने लगे तो फिर वो वक्त करीब होगा जब अल्लाह का अज़ाब उन सब को घेर लेगा यानी फिर उम्मत पर अजाब आना शुरू होगा और उसमें आप देखिए कि ज़रूरी नहीं कि सारे आम जिना हो लेकिन ये कि चोरी छुपे और हती कि शादीशुदा कपल्स भी इस कस्म के गलत काम करेंगे और ऑफ़ एंड ऑन इस तरह की खबरें आती रहती हैं अल्लाह सुबहान सब को महफूज रखे और आप देखिए कि जिना जो है अपनी जगह कबाहत है ही और अल्लाह सुबहान तको फवाहिश में से करार दिया है और फरमाया ला तकरब उस जिना, जिना के करीब भी ना जाओ लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जिना के नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है उस पर कितना बड़ा जुल्म है कि दुनिया में उसका कोई रिश्ता ही नहीं ना उसका कोई खाल है ना उसकी कोई खाला है ना पुप्पी है ना चचा है ना मामू है ना कोई उसका लीगल बाप है आ, आ जाके जिसने पैदा किया एक माँ ही रह जाती है बाकी ना उसका कोई बहन भाई है यानी उसका उसका क्या स्टेटस है और जिन लोगों को पता नहीं होता वो तो ठीक है लेकिन जिन बच्चों को ये पता चल जाता है कि वो हराम की औलाद हैं खुद उनकी ज़िंदगी कितने बड़े मसले का शिकार हो जाती है तो इसलिए जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया उसको हराम ही समझना चाहिए फिर सही अल्जाम सगीर की रिवायत है कि गाने के आलात और गाने वालियाँ आम हो जाएंगी सहल साद से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी जमाने में लोगों की शक्लें बिगड़ेंगी यानी मस्क कर दिया जाएगा उन्हें धनसाया जाएगा खसफ होगा उन पर संग की जाएगी कजफ होगा यानी आसमान से पत्थर बरसेंगे जब गाने बजाने के आलात ज़ाहिर हो जाएंगे और गाने वालियाँ भी आम होंगी तो फिर इस तरह की सजाएं भी लोगों को मिलेंगी और शराब हलाल समझ ली जाएगी अमूमन ये सारी चीज़ें साथ साथ आती हैं औरत गाना बजाना शराब सुन इब्न माजा की रिवायत है अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह से वो कहते हैं कि रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में से कुछ लोग शराब पियेंगे वो उसका नाम बदल कर कोई और नाम रख लेंगे उनके सरों पर गाने वालियाँ साज बजा कर गाने सुनाएंगी यानी शराब की मजलिसें होंगी और मजलिस के अंदर ही गा गाने वालियाँ होंगी अल्लाह उन्हें ज़मीन में धंसा देगा और उनमें से बास को बंदर और खनजीर बना देगा तो ऐसे वक्त से डरना चाहिए कि अल्लाह सुबहान तआला दुनिया में ही सजा दे और रुसवा कर दे लिहाजा खुले और छुपे इन बुराइयों से बचने की ज़रूरत है फिर इसी तरह औरतों के लिबास की उरियानी के बारे में फरमाया सही मुस्लिम में अब हुरारा कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग वालों की दो किस्में हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा यानी बाद के ज़माने में आएंगी एक किस्म तो उन लोगों की है जिनके पास बैलों के दुमों की तरह कोड़े हैं यानी मोटे मोटे कोड़े हैं जिससे वो लोगों को मारते हैं यानि ालमरान है और दूसरी किस्म उन औरतों की है जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी हैं, चाहे वो टाइट है चाहे वो सी थ्रू है वो माइल होने वाली हैं मर्दों की तरफ माइल होंगी और दूसरों को माइल करने वाली हैं, है नहीं मर्दों को या और दूसरी औरतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी और नहीं इस, इस किस्म के लिबास का मकसद यही होगा कि दूसरे उन्हें खास तौर पर देखें उन औरतों के सर बुख्ती ऊँटों की तरह होते हैं यानी ऊपर से हेयर स्टाइल भी ऐसा होता है कि सर के ऊपर एक ऊपर उठी हुई चीज़ नज़र आए जैसे ऊँट की कुहान होती है ना सर भी होता है एक कुहान होती है तो इसी तरह कुहान जो है वो गर्दन पर होती है। तो उनके भी सर जो हैं उनके अलावा उनकी गर्दनों पर ऊंचे उठे हुए जूड़े वगैरह होंगे वो औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी ना ही जन्नत की खुशबू पा सकेंगी जन्नत की खुशबू इतनी इतनी मसाफत से महसूस की जा सकती है इसमें बाजों का सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाल नहीं बांधे जा, जा सकते बाल बांधे जा सकते हैं लेकिन उनके अंदर पैडिंग रखना उनके अंदर बालों के साथ बाल जोड़ना या उनके अंदर मसनू चीज़ें रख कर उनको बहुत ऊँचा कर लेना या ख़ास पर तोजो मबजूल करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए या एक फैशन के तौर पर ऐसा लिबास पहनना जो है ये नापसंदीदा है जहाँ तक उन्हें अपने बालों को रोल करने का ताल्लुक है गर्मी की वजह से या बालों को गर्दन से उठाने के लिए अगर कोई क्लिप या कोई हेयर कैश लगा लिया जाता है या कुछ तो कोई हर्ज नहीं लेकिन इंसान जब घर से बाहर निकलता है या ना ऐसी जगह पर जाता है जहाँ नॉन महरम है तो वहाँ ऐसे ना लिबास पहने और ना ही ऐसी आ, जेब जीनत इख्तियार करे कि जिसकी वजह से दूसरों की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हो इमाम नबी कहते हैं कि जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी वो वाक हो गया है वाक़ हो चुका है यानी उनके दौर में भी ये चीज़ें हो गई थी हालांकि नबी इमाम नबी जो हैं अब से 700 साल पहले की बात कर रहे हैं और हमारे आज के ज़माने में तो और भी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं कि जिनसे इस किस्म के हेयर स्टाइल बनाना जो है वो आसान हो गया है फिर इसी तरह वो कहते हैं कि बस औरतें बारीक लिबास पहनती हैं जिससे इनके जिसम के नीचे से और उनके पर्दे के मकाम और महासिन यानी फिगर्स खूबसूरती नज़र आती है बस ये औरतें लिबास पहनने के बावजूद भी बरहाना होती हैं तो यह लफ्ज़ जो है वो कासियातन आरियातन इस्तेमाल हुआ है कासियात पहनने वाली किस्वा कहते हैं न कपड़े को किस्व क़बा क़बा के का ख़िलाफ़ जो है और आर्यात आरियत उनसे है आरी आरी का मतलब होता है नंगा तो इसमें चार चीज़ों का इस्तेमाल है नंबर एक ये कि लिबास छोटा हो जैसे बाजगल ट्राउज़र पहने जाते हैं तो वो टखनों से काफ़ी ऊंचे आधी पिंडलियों तक होते हैं यानी ख़ातन ऐसे ड्रेस पहनती या स्कर्ट पहनते हैं और वो स्कर्ट काफ़ी ऊंची होती है तो छोटा लिबास इसी तरह ब्लाउज़ पहनते हैं तो उसमें पेट और कमर नंगी हो रही है या बाजू का ड्रेस पहनते हैं तो स्लीवलेस या हाफ तो यह सारा भी नंगा होने में आता है तो ये नंबर एक ही है कि छोटा यानी ऐसा लिबास पहनने के बावजूद भी इंसान नजर आए जैसे कुछ पहना ही ना हो और बाजू ये फिर इस तरह पहना जाता है कि जिसम के उन हिस्सों के साथ चिमटा हुआ होता है जिनको जाहिर करना दुरुस्त नहीं नंबर दो ये है कि बारीक लिबास बिल्कुल शफाफ़ और थ्रू बारीक हो वो भी वाज ऐसा ही होता है खास तौर पर अगर आप पहन के धूप में चल रहे हैं तो वो जिस जिसम के अंदर के हिस्सों को पूरी तरह नुमाया कर देता है ताकि स्किन कलर भी नज़र आने लगता है और उससे जिसम का रंग और पर्दे के अज़ाब भी नज़र आते हैं इसमें चाहे तो इंसान खुद नजर आ रहा हो या ऐसे लिबास पहन के तस्वीरें खिंचाय जाए कि जो जिसमें इंसान नंगा हो रहा हो या अपने ऐसे फोटो शेयर करना कि जो पर्दे के मकाम के हों जैसे बच्चा अगर पेट में है तो उसका स्कैन है तो ये भी इन चीज़ों को भी देखना दूसरों के डॉक्टर देख सकता है जो दाई है वो देख सकती है लेकिन दूसरे किसी और इंसान को नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये पर्दे के मकाम है तो औरत का पेट या पेट के अंदर की चीज़ जो है उसको पूरी फैमिली ग्रुप में शेयर कर देना या दोस्तों के साथ शेयर कर देना इन चीज़ों से भी बचना चाहिए फिर इसी तरह तंग लिबास तंग लिबास ऐसा लिबास के जो जिससे जोड़ बंद सारे नज़र आए यानी जिससे बाजुओं का साइज पता चले टांगों का साइज हिप्स का हर चीज़ अलग अलग नज़र आ रही हो और नंबर चार फैशन के तौर पे फटा हुआ लिबास पहनना यानी आपने देखा होगा कि ऐसे नए कपड़ों को ख़ास तौर पर जला के या आ, काट के फाड़ के पहना जाता है और ये पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा फैशन आ गया था बल्कि एक दफ़ा मुझे एक फैक्ट्री में जाने का इतफाक़ हुआ जो जीन्स बनाती थी तो वहाँ मैंने उनको लिबास बना के फिर उसको घिसाते हुए देखा कि जो जिससे वो फट जाए वो एरिया और इसमें का शर्म वाले हिस्से और ढाँपने वाले हिस्से जो हैं वहाँ से लिबास फटा होता है और बाद तो खुद कैंची से काट कर ऐसा लिबास पहनते हैं ये सारी होची हरकतें हैं लोगों की तवज्जो मबज़ूल करने की और इन चीज़ों से बचना चाहिए यानी खुद इंसान को एक्सपोज़ करने से भी बचना चाहिए और दूसरों को इन चीज़ों पे नज़र डालने से भी बचना चाहिए यानी जिन चीज़ों को देखना इस इस्लाम ने हराम करार दिया है अगर अचानक भी नज़र पड़ जाए तो अपनी नज़र इंसान फेर ले उसको देखता ना चला जाए क्योंकि निगाह की खयानत से भी बचना चाहिए फिर इसी तरह औरतों की जेबीनत यानी लिबास की तंगी और, और ये लिबास की तंगी जो है ये सिर्फ औरतों में ही नहीं है मर्दों में भी है बाजुकत मर्द भी ऐसा चिपका हुआ लिबास पहनते हैं कि जो जिसम को जाहिर करता है तो यानी छोटा लिबास बारीक लिबास तंग लिबास पटा हुआ लिबास जिससे औरतों या मर्दों का सतर नजर आए ये नहीं है। फिर औरतों की है। है फरमाते हुए सुना मेरी उम्मत के आखिरी जमाने में लोग कुजाबों की तरह की जीनों पर सवार होंगे वो मसाजिद के दरवाजों पर उतरेंगे कुजाबों की तरह जैसे कार होती है तो वो मसाजिद के दरवाजों पर उतरेंगे यानी चल के नहीं आएंगे मस्जिदों में बल्कि उन पर बैठ कर आएंगे उनकी औरतें लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी भले मस्जिद ही जा रही हैं लेकिन लिबास में वो सारी शराय पूरी नहीं होती जो इबादत के लिए होनी चाहिए उनके सर दुबले पतले बुख्ती ऊंटों की कोहानों की तरह होंगे यानी हेयर स्टाइल इस तरह के होंगे कि ऊपर जूड़ा वगैरह नुमाया नजर आ रहा होगा ऐसी औरतें मलून हैं उन पर लानत करना यानी कितनी सख्त बात की गई है और लानत का मतलब क्या होता है कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए अगर तुम्हारे बात कोई और उम्मत होती तो तुम्हारी औरतें उसकी खिदमत करती यानी उनकी ग़ुलाम और लोनियाँ बन जाती जैसा कि तुमसे पहले वाली उम्मतों की औरतों ने तुम्हारी खिदमत की नहीं पिछली उम्मतों की औरतों को जब वार वगैरह में पकड़ा गया तो वो उनको ंडी ग़ुलाम के तौर पर रखा गया अल्लाह सुबहान इसे महफूज रखे और ये जो लिबास बेलिबास होने का फितना है या कम लिबास होने का या तंग लिबास या बारीक लिबास पहनने का फितना है ये का दीनदार लोगों के अंदर भी पाया जाता है और इसकी परवानी करते और तंग लिबास पहनकर स्ट्रीट में निकल गए गाड़ी में बैठ गए मर्दों की मजलिस में घर में कोई अगर ऐसे गेस्ट आ गए हैं तो उनके सामने चले गए छोटी सी टी शर्ट पहन ली जिससे ना पेट पूरी तरह ढका और ना ही पीछे के हिप्स क्योंकि कमीज़ जो है उसमें अगर नीचे से शलवार या जीन्स या पजामा टाइट भी हो तो ऊपर से जब लंबी कमीस आ जाती है तो वो सब कुछ छुप जाता है लेकिन जब इंसान शर्ट पहन लेता है छोटी शर्ट पहन लेता है एक तो मर्दों से मुशाबत होती है दूसरा यह है कि ये ये घुटनों तक का हिस्सा जो है ये औरत का भी औरत को सिवाय मजबूरी के नहीं देखना चाहिए कोई इलाज हो या कोई ऐसी ज़रूरत पेश आए कि जो जिसमें देखने की मजबूरी हो तो और बात है वरना हतुलबसा इंसान अपनी नज़र बचाए और इस तरह इंसान सिर्फ अपने आप को गुनागार नहीं करता तंग लिबास पहन कर और छोटा लिबास पहन कर बल्कि दूसरों को भी गुनागार करता है यानी जो देखने वाले होते हैं उनकी निगाहें भी हराम चीज को देख रही होती है और फितने में मुबतला होती हैं और का दूसरों के लिए अट्रैक्शन का बायस बनती हैं फिर सियाह खजाब लगाना यानी ब्लैक कलर लगाना बालों में इब्ने अब्बास से रिवायत है कहते हैं सोना नबी दाऊद की रिवायत है ये रसूल ने फरमाया आखिरी जमाना में एक कौम होगी जो कि स्या खजाब लगाया करेंगे जैसे कबूतरों के सीने होते हैं चमकता हुआ, काला रंग वो लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे ये तो आपको मालूम होगा कि खिजाब लगाना या कलर लगाना जायज़ है सिर्फ जट ब्लैक कलर लगाना दुरुस्त नहीं है उस उससे मुख्तलिफ़ लगाना चाहिए और फिर बलदान की नाफरमानी बहुत आम हो जाएगी यानी हराम काम है ना क्योंकि इन्मा आलई को माह तो कि टॉपिक चल रहा है हराम कामों का तो इसलिए यहाँ पर इसका भी ज़िक्र आ गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब लौंडी अपना आका जनेगी तो ये क़यामत के निशानियों में से है यानि औलाद जो है वो माँ बाप भी अपना माँ बाप पर अपना हुक्म चलाएगी इसका एक और मना ये भी किया गया है कि ग़ुलामी ख़त्म हो जाएगी तो ये था यानी मौजू नंबर सेवन टॉपिक नंबर सेवन के जिसमें हराम चीज़ों के बारे में और गुनाहों से मुतक अतें के आमद का ज़िक्र था अब आप में से कोई मज़ीद कुछ एलेबोरेट करना चाहे किसी हदीस को या कोई बात करना चाहे कोई रिफ्लेक्शन हो अल्लाह वरम वर्क ये जो अभी बात हुई इसकी सतर के ढांपने की इसमें तो जो नए नए फैशनस हैं वो सारे ही इसी किस्म के आते हैं कि बस उसमें जी शोल्डर्स अब तो स्लीवलेस और एक स्लीव है और एक स्लीव नहीं है ये नया फैशन है और उन्होंने वा, काम वाले कपड़े नहीं कुछ भी कोई ऐसा काम वाला कपड़े नहीं पहने थे तो बस सिर्फ एक साइड पूरी शोल्डर पूरी एक स्लीव है ही नहीं अजीब अजीब वो लिबास आ गए और एक अजीब सी चीज़ दूसरी ये कि वैक्सिंग कराते वक्त भी लोगों को नहीं शर्म आ रही होती कि भाई ऐसे हिस्सों के वैक्सिंग करना जायज़ नहीं है और बिल्कुल यंग लड़कियों की गैर शादीशुदा शुदा बच्चियों की मुझे किसी वैक्सिंग करने वाली ने मसला पूछा और उन्होंने कहा कि क्या मैं कर सकती हूँ क्योंकि लोग अपनी जवान बच्चियों को ले आते हैं कि अभी इसी उम्र में जितने बाल उतर जाए उतर जाए फिर आगे इनको आसानी होगी तो सतर के मकाम पर तो ना आप हाथ लगा सकते हैं और ना ही आप इस तरह की वैक्सिंग कर सकते हैं या करवा सकते हैं वो किसी ने आपसे पूछा भी था वो लोहे का के भाई रेजर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कई लोगों ने वो वो उसका जवाब बना लिया कि जी लोहा नहीं यूज लोहा यूज़ कर सकते हैं कहीं भी मान्य नहीं है बिल्कुल मन घटत खुद साख्ता बात है कि रेज़र के साथ सफाई नहीं कर सकते जिसम की बिल्कुल कर सकते हैं हदीस में लफ्स आता है हल्कुल कुल आना जी उस जी यहाँ पर यही समझ आती है कि आ, जैसे अभी समितान जी ने बताया कि आ, कपड़ों की फ़ैशन भी कौन लाया है औरतें खुद अगर अपने आप की शर्म और हया का ख्याल नहीं रखेंगी और बढ़ चढ़ कर आगे कहेगी कि मैं ये पहन कर फिर टी वी पर भी दिखाऊँ एंड अपनी मॉडलिंग भी करूँ एंड मूवीज़ में भी आऊँ तो ये औरत ही तो आ रही है और मर्दों के लिए कितना फितना है कितना मुश्किल है मर्दों के लिए इतना मुश्किल है और आप देखें जितनी भी एड्स बनती हैं जितनी भी एडवर्टाइजमेंट बनती है आदमी को नंगा नहीं दिखाया जाता इतना जितना औरत को हाफ नेकेड दिखाते हैं तो वो चीज़ बिकती है तो औरत ने अपने आप को इतना चीप कर दिया इतना इजी टू सेल कर दिया कि उसके लिए हर चीज़ ओके okay है गाड़ी बेच लो सिगरेट बेच लो कोई भी चीज़ कुर्सी मेज़ खाना उस पर औरत दिखा देते हैं बिकॉज औरत ने अपने आप को इतना सस्ता कर दिया माल कि इट्स ओके मैं कुछ भी पह, पहनूँ या ना पहनूँ बस मुझे यू नो डजेंट मैटर जी जैसे यही फैशन की बात है यहाँ एक बहुत है लोकल काफ़ी अच्छी वेल well नोन तो मुझे उनके पास आने का इतफाक हुआ तो मैंने उनसे ये बात की मैंने कहा देखिए आप लोग तो ट्रेंड सेटर्स हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस बात का ना कि ना इस इस तरह की करें तो उसदा जी उसने कसम खा के वो खातून कह रही थी और उसने मुझे दिखाया कहने लगी देखिए हमारे सब ड्रेसेस स्लीवस के साथ आते हैं लेकिन जब आती हैं लड़कियाँ ट्राई करती हैं और फिर कहती हैं कि स्लीव्स उतार दें या छोटी कर दें या कुछ कर दें एंड शी एनसीडेड शो मी दैट कि हम तो कोशिश हमारी तरफ से होती है लेकिन अब लेने वाले नहीं लेते जी बिल्कुल ताज़ा जी ये जो औरत का सतर है औरत से उस पर भी थोड़ा सा आप एलेबोरेट कर दें गो कि आपने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि औरत का औरत से क्या सतर है बिकॉज रिसेंटली किसी ने मुझसे शेयर किया था मैंने हासी जी से भी शेयर किया था कि सो कॉल कोई स्कॉलर हैं जो वेबसाइट पर वो ये प्रूफ करते हैं कि औरत का सतर जो है वो सिर्फ़ नाफ से ले कर घुटने तक ही है औरत के सामने इवन हती के घर में जो महरम है उनसे भी यही सतर है यानी कि यू कैन गो टॉपलेस इन फ्रंट ऑफ योर महरम इस तरह की बातें यानी कि दीन के सर्कल में यानी कि इसको दीन वेबसाइट पे वो ये एक चीज़ है जो हराम के दर्जे में आती है कि इस एरिए को तो किसी के सामने खोलना मुकम्मल हराम है और एक है हया के दर्जे में आती है कि जिसमें औरत की ब्रेस्ट है उसके कंधे हैं उसका उसकी बाकी ब्यूटी है तो यानी हया का तकाजा ये है कि इन चीज़ों की भी एहतियात की जाए और बल्कि उनको ढ़ापा जाए जी ख़्याल आ रहा है उसा जी के जैसे एक और क़यामत है ना कि आखिरी ज़माने में मस्क और खसफ और ये सब होगा तो कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि हया का एहसास ही ना होना जैसे ये कह रही हैं कि घर में महरम के आगे भी आप यानी ये फितरत भी इसके अगेंस्ट है कि आप किस तरह फिरें राइट तो फितरत मस्त हो चुकी होगी फिर उसके बाद कोई रिकग्निशन नहीं है और जैसे आपने कहा कि यानी दीनदार घरानों में ये चीज़ है अब किसी चीज़ पर जो अवामानन्नास लेवल पे एक तो होता ठीक है बहुत ज़्यादा हर सोसाइटी में एक स्मॉल परसेंटेज होती है जो हमेशा फैशन के बहुत एक्सट्रीम एंड पे होते हैं लेकिन द वास्ट मेजॉरिटी फॉलोर्स वट्स ऑन द मीडिया और मीडिया पे जो आ जाता है वो दीनदार घरों में जिनके वालदे माशाल्लाह मस्ाजिद में इन्वॉल्व होते हैं और सब है उनकी बेटियां भी शादियों में ख़ास तौर पर और दूसरे फंक्शंस में वो जैसे पहले ज़िक्र हुआ ना कि शोल्डर्स करके खुले बीच में कटे हुए और ये सारी चीज़ें या बिल्कुल वो सी थ्रू लिबास जैसे बिल्कुल इंडियन बाज़ उसमें आता है तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल कैसे हो गई मुझे ये समझ नहीं आती बाज़त ये हैरत होती है कि लिविंग इन अ मुस्लिम कंट्री जैसे हम कभी तो विजिट पे जाते हैं वो बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पे मैं, किसी मैट्रस का एड है जिसपे खातून को उन्होंने लिटाया हुआ है और एक हैरान कन हद तक जो है ना हर कॉन्टोर उनका जिसम का वाजिया है जहाँ से लाखों गाड़ियाँ यानी पर डे पर वीक गुजर रही होती हैं तो मुझे ये ख्याल आता है कि आखिर हमारे मुस्लिम माशरों में तो इतने लोग दीन का रखने वाले हैं, इतने माशाजरा मसाजिद जाने वाले हैं वो खुद अपनी बीवियों और बेटियों को क्या इससे नहीं रोक सकते या उनको भी रिकगनीशन नहीं है क्योंकि ये अहादीस ऐसा तो नहीं है कि किसी ने सुन नहीं रखी हो जाते हैं ईमान की कमजोरी है कि मुनकर को कहते ना कि जब मुनकर को देखो तो अपने हाथ से बदलो अगर नहीं तो ज़बान से और अगर दिल वरना दिल में बुरा समझो और ये ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है और इसके बाद तो फिर ईमान ही नहीं रहता जहाँ हया नहीं वहाँ ईमान ही नहीं